हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम छठी कक्षा का सातवां पाठ पौधों को जानिए इस पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, पौधे मानव जीवन का एक बहुत आवश्यक अंग हैं। आपने पिछले पाठों में पढ़ा था कि पौधों से हमें भोजन प्राप्त होता है, पौधों से हमें रेशे और वस्त्र प्राप्त होते हैं, और एक तरह से कहा जाए तो पौधों के बिना जीवन ही संभव नहीं है। आप अगर इस पाठ को आरंभ से लेकर अंत तक ध्यान से देखेंगे तो आप हमारे आसपास पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों के वर्गीकरण को समझ पाएंगे और पौधे का कौन सा भाग पौधे के लिए क्या कार्य करता है यह भी आप जान पाएंगे। प्यारे बच्चों, पौधों के बारे में जानने के लिए आप अपने विद्यालय के उपवन में, बगीचे में, या अपने गांव के आसपास किसी खेत खलिहान में, या पेड़ पौधों वाले किसी खुले मैदान में जाइए। आप वहां पर जाकर के देखेंगे कि सभी पौधे एक जैसे नहीं होते। किसी के पत्ते अलग हैं, किसी का फूल अलग है, किसी की ऊंचाई अलग है, किसी की टहनियां अलग हैं, किसी के तने अलग हैं, किसी के फल अलग हैं। पौधों के अंदर अनेक प्रकार की भिन्नताएं हैं और हम जाकर के ध्यान से देखेंगे तो पौधों को हम विभिन्न आधारों पर अलग-अलग समूहों में बांट सकते हैं। हम पौधों को बांटने के लिए, उनका वर्गीकरण करने के लिए कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे कि वहाँ पर कुछ पौधे बहुत छोटे हैं, हमारे कद से छोटे, हरे भरे, ज़्यादा पत्तों वाले, कोमल से, और कुछ लगभग हमारे कद के आसपास के हैं। तो कुछ पौधे हमसे बहुत अधिक बड़े ऊंचे हैं। यानी पौधों का वर्गीकरण हम उनके आकार, ऊंचाई के अनुसार भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कुछ पौधों के तने बहुत कोमल हैं, जिनको हम आसानी से मोड़ सकते हैं, हरे रंग के उंगलियों से मोड़ा जा सकता है बिना अधिक बल लगाए। कुछ के थोड़े कुछ मोटे हैं, जिन्हें हम आसानी से मोड़ नहीं सकते, या जिन्हें मोड़ने तोड़ने के लिए हमें थोड़ा बल लगाना पड़ सकता है। और कुछ पौधे इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, हमसे, हमारे मकान से भी बहुत ऊंचे हो जाते हैं, और उनके तने भी इतने सख्त हैं कि हम उन्हें हमारे सामान्य हाथों से मोड़ तोड़ नहीं सकते। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं के आधार पर इनका हम वर्गीकरण करते हैं। तो हमने वर्गीकरण के लिए कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखा? पौधे का आकार, ऊंचाई, उसके तने की मोटाई, तने की मजबूती, और तीसरा एक और बिंदु जो विशेष होता है पौधों के वर्गीकरण के लिए, कि उस पौधे की शाखाएं कहाँ से निकलती हैं। आप छोटे पौधों में देखेंगे कि उनकी शाखाएं बिल्कुल जमीन के पास से निकलती हैं। ऐसे पौधों को जिनकी ऊंचाई कम, तना बहुत अधिक नर्म, नाजुक, कोमल, और शाखाएं बहुत कम या जमीन से ही निकलती हैं, ऐसे पौधों को शाक कहा जाता है। जैसे पालक, धनिया, मेथी, बथुआ, चौलाई आदि। इस प्रकार के अनेक पौधे आप अपने घर के बगीचे में, खेत खलिहान में, आसपास देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये किस चीज़ का पौधा है? ये केले का पौधा है। केले को हम कौन से वर्ग में रखेंगे? इसका तना हरा, कोमल, शाखाएं भी बहुत अधिक नहीं, देखिए बिल्कुल तने के पास से दूसरे पौधे निकल रहे हैं, और ये एक तरह से पत्ते ही लिपटे हुए धीरे धीरे तने का आकार ले रहे हैं, और इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। प्यारे बच्चों, इसकी ऊंचाई तो अधिक अवश्य है, लेकिन यह शाक वर्ग में आता है, और यह सबसे बड़ा शाक का पौधा है। देखिए कितनी ऊंचाई है।
दूसरा इनसे अधिक ऊंचाई वाले पौधे उनको आप देखेंगे तो उनके अंदर तना थोड़ा कठोर भी हो जाता है और उनकी शाखाएं जमीन के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर से निकलती हैं। तना थोड़ा मजबूत हुआ, कठोर हुआ, हरा रंग, जैसे ही कठोर होगा तना तो उसका हरा रंग नहीं रहेगा, कठोरता को धारण करता है और कुछ ऊंचाई बढ़ जाती है। इस प्रकार के पौधों को झाड़ियां कहा जाता है। जैसे चांदनी के फूल का पौधा जो आपके विद्यालय में मिल सकता है, गुड़हल का पौधा, गुलाब भी एक तरह की झाड़ी है, नींबू का पौधा वह भी एक प्रकार की झाड़ी होता है। यानी झाड़ियों के लक्षण, झाड़ियों के गुण क्या हैं, उनकी ऊंचाई मध्यम होती है, बिल्कुल छोटी भी नहीं और हमसे बहुत बड़ी भी नहीं। उनके तने कुछ कठोर होते हैं और उनकी शाखाएं जमीन से थोड़ा ऊपर निकलती हैं और उन्हें हम झाड़ियां कहते हैं। और तीसरी प्रकार के जो पौधे होते हैं वह बहुत अधिक बड़े, विशाल, उनकी ऊंचाई हमसे बहुत अधिक होती है, तने बहुत अधिक मजबूत होते हैं और उनकी शाखाएं बहुत अधिक ऊंचाई से निकलती हैं। ये उनका एक पूरा वितान, एक छतरी सी बन जाती है, पत्तों की वितान होता है उनका, उसके नीचे उसकी छाया में हम विश्राम कर सकते हैं। तो ऐसे पौधों को वृक्ष या पेड़ कहा जाता है। आम, नीम, पीपल, बबूल इसी वर्ग के पौधे होते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि हमने जिन तीन वर्गों के अंदर पौधों का विभाजन किया, क्या सभी पौधे इन तीन वर्गों के अंदर समाहित हो गए हैं? नहीं, अभी कुछ पौधों के संवर्ग शेष हैं, बचे हुए हैं। वो क्या हैं? आपने कई बार घरों के या किसी भी हमारे विद्यालय के दरवाजों के ऊपर चढ़ी हुई फूलों वाली लताओं को देखा होगा। वो एक अलग तरह के पौधे हैं। उनमें उनके तने इतने मजबूत नहीं होते कि वो उनका भार, उनकी लंबाई को सीधा खड़ा रख सकें। इस प्रकार के पौधों को लता कहा जाता है, जिनमें लंबाई अधिक होती है लेकिन तने इतने सशक्त मजबूत नहीं होते कि उन्हें सीधा खड़ा रख सकें। और लताओं को भी दो उपभागों में बांटा जा सकता है। कुछ लताएं ऐसी होती हैं जो जमीन पर, पृथ्वी पर, धरती के ऊपर, मृदा के ऊपर लेटी रहती हैं और कुछ लताएं ऐसी होती हैं जो ऊपर कोई भी सहारा मिले, आलंबन मिले कोई भी उसे, तो उसके साथ साथ चढ़ जाती है। आप चित्र के अंदर देख सकते हैं। तो जमीन के ऊपर, धरातल के ऊपर, धरती के ऊपर वृद्धि करती हैं, फैलती हैं, ऐसी लताओं को विसर्पी लताएं कहा जाता है। और इसमें खरबूजा, तरबूज आदि की लताएं प्रमुख हैं। और कुछ लताएं ऐसी हैं जो आलंबन या सहारे के साथ ऊपर चढ़ जाती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, लौकी, घिया, अंगूर आदि की लताएं इसी प्रकार की लताएं हैं। इन्हें आरोही लता कहा जाता है। प्यारे बच्चों, हमने पौधों के विभिन्न संवर्गों के बारे में जानकारियां ली, उनके बारे में हमें बोध हुआ। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि किसी पौधे के कितने भाग होते हैं? हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि पौधे का मृदा के नीचे का भाग जड़ कहलाता है और पौधे का वह भाग जो पौधे को सहारा प्रदान करता है, सीधा खड़ा रखता है, उसे तना कहते हैं। और उसके ऊपर पत्ते, शाखाएं, फूल और फल आदि भाग होते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा करते हैं कि पौधे के प्रत्येक भाग का क्या क्या कार्य है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं तना। तना किसी भी पौधे का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यह हमारी जमीन, मृदा के ऊपर का भाग होता है जो किसी भी पौधे को सीधा खड़ा रखता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जमीन के अंदर जड़ें जिन पोषक तत्वों को, पानी को ग्रहण करती हैं, उन्हें यह ऊपर पत्तों तक पहुंचाता है। यह एक दो तरफा रास्ते का कार्य करता है। यह पत्तों को भोजन तैयार करने के लिए खनिज, लवण
आदि पोषक तत्व पानी के साथ पहुंचाता है और ऊपर से जो पोषण तैयार होता है, जो भोजन तैयार होता है, उसको नीचे की तरफ जड़ों तक पहुंचाया जाता है। तो यह दो तरफ के रास्ते की तरह से तना हमारा कार्य करता है। इसे समझने के लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप सफ़ेद फूल वाले किसी पौधे की दो टहनियों को तोड़िए और आप दो ग्लास लेकर के एक ग्लास में पानी भरकर उसमें नीली शाही की कुछ बूंदें डालें और दूसरे ग्लास में पानी भरकर लाल शाही की कुछ बूंदें डालें और फूल वाली टहनी को एक को लाल पानी लाल शाही वाले ग्लास में डुबो दें और दूसरी को नीली शाही वाले ग्लास में। हमारे फूल का रंग कैसा था? बिल्कुल सफ़ेद। कुछ घंटों के बाद हम अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि जो लाल शाही वाला जो पानी का ग्लास था उसमें से कुछ लाल रंग के चकते धब्बे हमें सफ़ेद फूल की पंखुड़ियों पर भी दिखाई देने लगे हैं और नीली शाही वाले पानी के अंदर जो फूल रखा था उसके फूल की पत्तियों में कुछ नीले रंग के धब्बे दिखाई देने लगे हैं। ऐसा क्यों हुआ? प्यारे बच्चों, यह हमारा नीली शाही वाले ग्लास में से नीले रंग की शाही मिश्रित जो जल था वह उस टहनी की, वह उस शाखा के अंदर की नलकी नुमा रचनाओं में, नलियों से, जिनको कैपिलरी कहा जाता, बहुत बारीक संरचनाएं होती हैं, उनसे वो गति करता हुआ हमारे सफ़ेद फूल की पंखुड़ियों तक पहुंचता है। इसी प्रकार की क्रिया हमारी लाल शाही वाले ग्लास के अंदर हुई, इसीलिए उस फूल की पत्तियों में लाल रंग के धब्बे दिखाई दिए। आप इससे आगे भी अवलोकन करने के लिए उस पेड़ की टहनी को ब्लेड से सावधानी से अपने हाथ को बचा करके बीज से काट करके भी देख सकते हैं कि उनके अंदर भी आपको लाल और नीली शाही के चढ़ने के आपको संकेत मिल जाएंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारी तने के माध्यम से खनिज लवण और जल का प्रवाह हमारा नीचे जड़ों से ऊपर पत्तों, फूलों और फलों तक होता है। इसके बाद किसी भी पौधे का महत्वपूर्ण भाग होता है उसके पत्ते। प्यारे बच्चों, हरे हरे पत्ते किसी भी पौधे को आकर्षक बनाते हैं, हमारी आँखों को देखने में सुंदर लगता है, भला लगता है, आनंदित करता है। ये हरे पत्ते पौधे के लिए क्या काम करते हैं? ये हरे पत्ते एक पौधे का बहुत अधिक महत्वपूर्ण भाग है और आप ध्यान से देखेंगे तो सभी पौधों की पत्तियों की बनावट अलग अलग होती है। आप अपने बगीचे में जाएं और अवलोकन करेंगे तो सभी पत्तियों की बनावट को अलग अलग पाएंगे। केवल देखने मात्र से नहीं, आप उनके विन्यास को अपनी कापी पर भी बना सकते हैं, उनकी छाप को। उसके लिए हमें क्या करना होगा? किसी भी पत्ते को लीजिए और पत्ते के ऊपर कागज को रखें और रख करके बड़ी कोमलता से पेंसिल का सिरा, नीचे पत्ता, ऊपर सफ़ेद कागज़ और उसके ऊपर पेंसिल को घुमाएंगे तो हमारे पत्ते की आकृति ऐसी की ऐसी हमारे कागज़ पर छप जाएगी। और इसमें ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या पता चलता है? प्रत्येक पत्ते की बनावट में कुछ सामान्य बिंदु होते हैं जो सभी पत्तों में होते हैं। प्रत्येक पत्ते का एक फलक होता है जो सामने से हमें दिखाई देता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और वह पत्ता पर्णवृंत के माध्यम से शाखाओं के साथ जुड़ा होता है या पौधे के साथ जुड़ा होता है और इसके अंदर बीच में से एक मध्य शिरा, जो सबसे प्रमुख शिरा होती है, मध्य शिरा निकलती है और बाद में अन्य शिराओं के साथ मिल करके यह एक जालिका बनाती है। और आप चित्र में देख रहे होंगे यह जालिका विन्यास भी प्रत्येक पौधे का अलग अलग होता है। जैसे कुछ पौधों के अंदर
हम छाप में देखेंगे, उनमें समांतर शिरा विन्यास होता है। समांतर का अभिप्राय उनमें जालिका की शिराएं समानांतर आती हैं एक दूसरे को बिना काटे हुए, और कुछ के अंदर आपस में गुथा हुआ जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। हमारी पत्तियों का क्या कार्य है, इसके लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। एक पॉलिथीन की थैली लीजिए और बिल्कुल साफ, और अपने बगीचे के किसी भी पौधे के टहनी के ऊपर उस थैली को ले जाकर के बांध दीजिए। वो बिल्कुल सूखी है, खाली है, और आप उसको बांधेंगे। दिन में 3-4 घंटे के बाद आप देखेंगे उस पॉलीथीन की थैली में कुछ पानी की वाष्प की बूंदें जमा हो गई हैं। प्यारे बच्चों, ये कहाँ से आई? हमने तो बिल्कुल सूखी पॉलीथीन बांधी थी। यह पत्तों के कारण हुआ है। प्यारे बच्चों, जो पानी जड़ों का तने के माध्यम से पत्तियों को भेजा जाता है, वह कुछ पत्तियों के माध्यम से भाप बन करके, वाष्प बन करके उड़ता रहता है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती हैं। अतिरिक्त जल, जिसकी पौधे को आवश्यकता नहीं होती, वह पत्तियों के माध्यम से वाष्पीकृत होता रहता है। यह इस हमारे क्रियाकलाप से सिद्ध होता है। इस प्रयोग के बाद, इस क्रियाकलाप के बाद, उस पॉलीथीन को टहनी से खोलना न भूलें। ये हमें ध्यान रखना है, नहीं तो वो टहनी सूख जाएगी, इसलिए उसे खोल दें। पत्तियां भोजन की फैक्ट्री हैं। पत्तियां अपने अंदर उपस्थित क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश और वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे जड़ों से प्राप्त खनिज लवण से अंतःक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करती हैं, मंड का निर्माण करती हैं, स्टार्च का निर्माण करती हैं। पत्तियों में मंड का या स्टार्च का निर्माण होता है, इसे जांचने के लिए हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। आप किसी भी पौधे की एक पत्ती को लें और उस पत्ती को मोड़ कर एक टेस्ट ट्यूब में डालें, उसमें स्प्रिट या एल्कोहल भर दें और उसे तब तक गर्म करें जब तक उसका पूरा हरा रंग दूर न हो जाए, और पूरा हरा रंग घुलने से अभिप्राय उसका क्लोरोफिल सारा का सारा निकल जाता है, और क्लोरोफिल निकलने के बाद वो पत्ती रंगहीन हो जाएगी। और फिर उसके ऊपर आयोडीन विलयन की, यानी आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें ड्रॉपर से डालें। आप देखेंगे आयोडीन घोल की बूंदें डालते ही पत्ती का रंग काला हो जाता है। यह उस पत्ती के अंदर मंड या स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। प्यारे बच्चों, हमने पिछले पाठों के अंदर भी आलू के अंदर मंड की उपस्थिति का प्रयोग किया था, और आलू के अंदर मंड कहाँ से आया था? पत्तियों का यह अतिरिक्त मंड आलू के अंदर इकट्ठा हो जाता है। पौधों के अंदर अतिरिक्त मंड या स्टार्च इकट्ठे होने की प्रक्रिया प्रत्येक पौधे की अलग-अलग होती है। जैसे गाजर या मूली के अंदर वह जड़ों में जाकर के एकत्र होता है, गन्ने के अंदर वह पौधे के तने के अंदर एकत्र होता है, और विभिन्न फलों के अंदर वह फलों में जाकर के एकत्र होता है। इसी प्रकार से प्रत्येक पौधे के अंदर उस भोजन के एकत्र होने का स्थान या पौधे का अंग भिन्न-भिन्न हो सकता है। इसी प्रयोग को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। क्या पत्तियों के अंदर केवल सूर्य की रोशनी में ही मंड का निर्माण होता है? तो इसके लिए दोबारा से इस प्रयोग को करें। एक गमले के पौधे को 2 दिन तक कमरे के अंदर अंधेरे में रख दें। अंधेरे के अंदर क्या होगा? सूर्य का प्रकाश जब उसको नहीं मिलेगा तो उसके अंदर मंड का निर्माण नहीं होगा, उसके अंदर पहले से जो संचित मंड होगा वह भी उसका समाप्त हो जाएगा।
वह उपयोग में आ जाएगा, उसके अंदर संचित नहीं रहेगा पत्ती के अंदर। 2 दिन के बाद हमें क्या करना है, एक पत्ती के ऊपर बाहर से कुछ काला कागज इस प्रकार से चिपकाएं, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ पूरा का पूरा उस पत्ती का एक आंशिक भाग, कुछ भाग पूरा का पूरा ढक जाए और उससे प्रकाश न जाने पाए, कुछ भाग पत्ती का खुला रहे कुछ ढक जाए। और उसके बाद उस गमले के पौधे को बाहर सूर्य की धूप में रख दें। सूर्य की धूप मिलते ही क्या होगा, पत्ती का जो भाग खुला है हरा है उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आरंभ होगी, और कुछ समय के पश्चात उस पत्ती के साथ भी हम वही प्रयोग दोहराएंगे मंड की उपस्थिति के लिए जो हमने कुछ समय पहले एक सामान्य पत्ती के लिए किया था। इसमें हमें हमारे अवलोकन में यह ध्यान रखना है कि हरा भाग पत्ती का हमने कहाँ पर छोड़ा था और कहाँ पर पत्ती के भाग को ढका था। प्यारे बच्चों, इसके अंदर उसी प्रकार से हम स्प्रिट या एल्कोहल के अंदर डाल करके पत्ती को गर्म करेंगे तो क्या होगा, उस पत्ती का क्लोरोफिल जो ढके हुए भाग का और बिना ढके हुए भाग का था सब अलग हो जाएगा, हमारी पत्ती रंगहीन हो जाएगी। उसके बाद उसके ऊपर आयोडीन के घोल की अगर बूंदें डालते हैं तो हमें देखने पर पता चलता है कि वही भाग पत्ती का काला हुआ जो ढका हुआ नहीं था। इसका अभिप्राय क्या हुआ, केवल खुला भाग बिना ढके भाग में ही स्टार्च बना, मंड बना, उसी के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी हुई और ढके हुए भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इस क्रियाकलाप से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए सूर्य की रोशनी का भी होना आवश्यक है। प्यारे बच्चों, हमने तने के बारे में जाना, हमने पत्तों के बारे में जाना, अब पौधे का जो एक प्रमुख भाग है वह है जड़। जड़ हमारे पौधों के लिए क्या कार्य करती है, आप अपने बगीचे या खेत में से खरपतवार के 2 पौधे लीजिए, एक पौधे की जड़ को काट दीजिए, दूसरे पौधे की जड़ यथावत रहे और दोनों को 2 गमलों में लगा दें और आप उनके अंदर निरंतर पानी देते रहें। आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि जिस पौधे की जड़ थी, जो पौधा जड़ सहित था वह ठीक ठाक फलता है, फूलता है, वृद्धि पाता है, बढ़ता है, और जिस पौधे की जड़ नहीं थी वह सूख जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जड़ें ही हमारे पौधों को मृदा से पोषक तत्व ले करके ऊपर पत्तों तक, टहनियों तक, फूल फल तक पहुंचाती हैं। अगर जड़ें नहीं होंगी तो हमारा पौधा विकसित नहीं हो पाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा। प्यारे बच्चों, क्या सभी पौधों की जड़ें एक जैसी होती हैं, नहीं, पौधों की जड़ें भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। प्यारे बच्चों, क्या जड़ केवल पौधों को भोजन पहुंचाने का काम करती है, यह और भी बहुत से कार्य करती है, यह पौधे को आधार प्रदान करती है, यह पौधे को तेज हवा बाढ़ पानी के साथ बहने से रोकती है, यह पौधे को स्थायित्व प्रदान करती है। आप किसी खरपतवार के पौधे को उखाड़ने का प्रयास करें, जड़ उसे जमीन के साथ जकड़ कर रखती है, पकड़ कर रखती है, इसी के कारण पौधे स्थायी हो पाते हैं और हवा और बाढ़ में अपना अस्तित्व बचा कर रख पाते हैं। प्यारे बच्चों, जड़ें ही पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं। अगर हम किसी पौधे के पत्तों को सींचते रहें और दूसरे पौधे की जड़ों में पानी देते रहें तो कौन सा पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा, जिस पौधे की जड़ों को पानी दिया जा रहा है, यानी पत्तों के माध्यम से हमारे पोषक तत्व जल का अवशोषण नहीं होता, वह जड़ों के माध्यम से होता है। प्यारे बच्चों, सभी जड़ें एक जैसी नहीं होती, वह पौधों के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। आप मक्का का और चने का एक एक बीज लीजिए और
आप पानी में भिगोकर रुई या कपड़े में उनको रखिए, उनके अंदर कुछ एक या दो दिन के बाद उनके अंदर अंकुरण आरंभ होगा। आप उस अंकुरण को देखेंगे तो एक नीचे की तरफ जड़ विकसित होगी, दूसरी तरफ कलिका निकलेगी, यानी पौधा विकसित हो रहा होगा। दोनों की जड़ों का अंतर आप महसूस करें। आप एक खरपतवार का पौधा लें, उसकी जड़ को उखाड़ करके देखें। प्यारे बच्चों, जड़ें दो प्रकार की होती हैं। एक ऐसी जिसमें रेशे होते हैं, उलझी हुई सी जालिकाएं सी होती हैं, उनको झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ें कहते हैं। कुछ पौधों की जड़ें जिनमें एक बिल्कुल सीधी जड़ जाती है और दूसरी अन्य शिराएं निकलती हैं, उन्हें मूसला जड़ कहते हैं। आप चित्र को देख करके इन दोनों के अंतर को समझ सकते हैं। और प्यारे बच्चों, बिना पौधे को उखाड़े, बिना पौधे की जड़ को खोदे भी हम पता लगा सकते हैं कि किसी पौधे की जड़ कैसी होगी। जिन पौधों में समानांतर शिरा विन्यास होता है, उन पौधों की जड़ें रेशेदार या झकड़ा जड़ें होती हैं, और जिन पौधों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है, उन पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। तना, पत्ते, जड़ों के बाद पौधे का महत्वपूर्ण भाग होता है फूल। फूल के अंदर ही बीज का निर्माण होता है, फूल से ही फल का निर्माण होता है। आइए हम एक फूल की संरचना का अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रत्येक पौधे के जिस प्रकार से पत्ते अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से विभिन्न पौधों के पुष्प की बनावट भी अलग अलग होती है। कोई लाल, कोई नीला, कोई हरा, कोई पीला, कोई गुलाबी, कोई लंबा, कोई चपटा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई गोल, कोई कैसा। क्या बाहर से इतने अलग दिखने वाले फूलों के अंदर कुछ समानताएं भी होती हैं, कुछ एक जैसा भी होता है इसमें? इसके लिए आइए हम एक पुष्प की संरचना का अध्ययन करते हैं। ये देखिए, आपके सामने एक ये फूल दिख रहा है। इसमें नीचे डंठल के पास हरे रंग की कुछ पत्तियां हैं जो रंगीन पत्तियों को बांध करके रखती हैं। इन्हें बाह्य दल कहा जाता है। और अंदर रंगीन जो पंखुड़ियां होती हैं, जिनका रंग पौधे के अनुसार अलग अलग हो सकता है, ये पाटल या फूल की पत्तियां कहलाती हैं। और जब पौधे का फूल खिलता नहीं है, इस बाह्य दल में सिमटा हुआ होता है, उसको कलिका या कली कहा जाता है। ये आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं और आपस में स्वतंत्र भी हो सकते हैं। पुष्प के अनुसार बाह्य दल और पंखुड़ियों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। और प्यारे बच्चों, कुछ पुष्प घंटाकार होते हैं और कुछ पुष्प अन्य अलग अलग आकारों के होते हैं। जैसे धतूरे का पुष्प अलग आकार का है, गेंदा, गुलाब, चंपा, चमेली, जूही आदि अलग आकार के होते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को अगर हमें स्पष्ट रूप से देखना हो तो बाह्य दल की हरी पंखुड़ियों को हटा दें, और हटा करके देखेंगे तो हमारा पूरा का पूरा फूल दो भागों में बट जाता है। इसमें एक स्त्री केसर भाग होता है, दूसरा पुंकेसर। आप पुंकेसर भाग में देखेंगे तो उसके अंदर पराग कोश होते हैं जो तंतुओं के माध्यम से फूल के निचले भाग से जुड़े हुए होते हैं, और यह पराग कोश पराग के कणों से भरा हुआ होता है। उंगलियों से स्पर्श करके देखेंगे तो उंगलियों के ऊपर आपको चमकदार कुछ कण दिखाई देंगे, यह पराग कण होते हैं किसी भी पुष्प के। और ये प्रत्येक पुष्प में पुंकेसर की संख्या, पराग के तंतुओं की संख्या अलग अलग हो सकती है। जिस प्रकार से पुंकेसर में हमारे पराग कोश तंतु आदि भाग होते हैं, इसी प्रकार से स्त्री केसर के अंदर भी वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय आदि भाग होते हैं। इन तीनों को मिला करके स्त्री केसर बनता है।
आप किसी भी फूल के स्त्री केसर का अध्ययन करने के लिए पंखुड़ियों को हटाकर अंडाशय को लेकर के आप ब्लेड के माध्यम से उनकी अनुदैर्ध्य काट और अनुप्रस्थ काट करके उसके अंदर बनने वाले बीजों का अवलोकन कर सकते हैं। यह आपको चित्र के अंदर हमारे स्त्री केसर के भाग अंडाशय की आंतरिक संरचना दिखाई जा रही है और जहाँ पर ये छोटी छोटी गोल रचनाएं बीज रूप में दिखाई देती हैं अंडाशय के अंदर, इन्हें बीजांड कहते हैं। इन्हें हम आवर्धक लेंस के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। सभी फूलों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर पाए जाते हों ऐसा भी नहीं है, वह अलग अलग पुष्पों में भी पाए जा सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये बिंदु स्पष्ट हो गए होंगे। कुछ बिंदुओं पर विवेचना हम हमारी अगली कक्षाओं में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय।